दोस्तों टीम इंडिया एक तरफ रिकार्ड पर रिकार्ड खड़ा करता जा रहा है और दूसरी तरफ टीम इंडिया जो कि भाई यहाँ पे न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें भाई अपने टीम का नाम बहुत मिट्टी मिला दिया है। अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि भाई टीम इंडिया ने किस तरीका से भाई 46 रन पर ऑल आउट हुआ। ये भी दोस्तों कोई रिकार्ड से कम नहीं है, ये भी दोस्तों टीम इंडिया के एक रिकार्ड लिस्ट में नाम शामिल हो चुका है कि टीम इंडिया ने भाई दूसरी बार भाई यहाँ पे दोस्तों टेस्ट में ऑल आउट हुआ है 46 रन पर। चलिए सारी चीजों में सारे प्लेयर्स के ऊपर नजर डालते हैं कि ये बंदे लोग क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पर और कैसे इनका परफॉर्मेंस इतना खराब हो चुका है। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पर चलते हैं और सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैप्टन कूल रोहित शर्मा से। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता है कि टीम इंडिया के कैप्टन जो कि रोहित शर्मा है और इनको कैप्टनसी इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है क्योंकि भाई ये टीम इंडिया के टेस्ट का कैप्टन है, चले या ना चले, उनका बल्ला बोले या ना बोले, बट यार कैप्टन तो रहेंगे। देखिए सबसे जरूरी चीज गैंगस्टर बंदों को मौका नहीं मिल रहा है और भाई जिनको मौका मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मौका मिल रहा है। तो सबसे पहला चीज दोस्तों टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा जो कि दोस्तों सिर्फ 16 गेंदों में 2 रन बनाए हैं, क्या लगता है कि एक टेस्ट प्लेयर्स को जो कि इंडियन टीम में कैप्टन है उनको क्या इस चीज शोभा देता है दोस्तों 16 गेंदों में 2 रन बनाए हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों बात किया जाए तो भाई तो ये तो भाई बहुत अच्छे फिट प्लेयर है। अब दूसरी तरफ बात किया जाए तो यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को, भाई यशस्वी जायसवाल जो कि भाई 63 गेंदों में 13 रन बनाते हैं, इससे अच्छा तो हमारे युगेंद्र चहल मारते हैं भाई, उनको टीम में ले लेते, वो तो अच्छे से कम बैटिंग कर लेते, 50 रन उन्होंने मारा है, 60 रन मारा है, मैंने दोस्तों मैच देखा उनका लाइव देखा है। और तीसरे तरफ दोस्तों बात किया जाए तो किंग कोहली, अब भाई किंग कोहली कहाँ है प्रैक्टिस में, कहाँ इंडिया टीम के टच में है, ये तो भाई फॉरेन कंट्री रहते हैं, जब मैच के लिए उनको यहाँ पे आयोजित किया जाता है तो उनको बुलाया जाता है, भाई वीजा पासपोर्ट लेके आते हैं, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर दोस्तों जो किंग कोहली के नाम जाने जाते हैं वो सिर्फ 9 गेंदों में यहाँ पे दोस्तों 0 रन बनाकर यहाँ पे आउट हो चुके हैं। तो ये दोस्तों फॉरेन कंट्री के प्लेयर जो कि इंडियन टीम में प्रैक्टिस में नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों चौथे नंबर में बात किया जाए तो सरफराज खान, दोस्तों एक टाइम ऐसा था कि सरफराज खान को मौका नहीं मिल रहा था लेकिन सरफराज खान जो कि भाई टेस्ट के लिए बहुत ही नामी प्लेयर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस टीम का परफॉर्मेंस देखा जाए तो यहाँ पे आप सरफराज खान को देख सकते हो कि मात्र दोस्तों 3 गेंदों में उन्होंने 0 पर यहाँ पे आउट हो चुके हैं। तो होता नहीं कि एक टीम एक तरफ कोई प्लेयर बल्लेबाजी नहीं कर रहा तो दूसरी तरफ आप साथ निभा रहे हो, भाई पूरे के पूरे सभी को धज्जिया उड़ा दिया भाई न्यूजीलैंड ने, सभी प्लेयर्स को धज्जिया उड़ा दिया। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, खुद मैं अपना देश से वीडियो बना रहा हूँ लेकिन भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसा जिस तरीके से टीम इंडिया ने 46 रन पर ऑल आउट हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों अब तीसरे नंबर पर बात किया जाए तो भाई पंत भाई की बात किया जाए, अगर गेंदबाज यहाँ पे टर्न करा रहे हैं तो 49 गेंदों में 20 रन मारे, खैर इन लोगों से तो अच्छा है भाई, रोहित यशस्वी कोहली सरफराज इन लोगों से तो अच्छा है पंत भाई का, 49 गेंदों में कम से कम टीम से सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाया 20 रन, क्योंकि दोस्तों इनको एक सीधा साधा बॉल चाहिए, इनको टर्न अप बॉल नहीं चाहिए, उसके वजह से ये फंस जाते हैं हर टाइम, तो इनको यहाँ पे 20 रन बना है इनका बल्ले से जो कि 49 गेंदों में। अब बात किया जाए जो जड्डू का, तो जड्डू का भी बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों एक बॉल में 0 रन, ये भी आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अश्विन का, तो अश्विन दोस्तों यहाँ पे 0 रन बना के भी पहले बॉल में आउट हो चुके हैं और पूरे के पूरे टीम इंडिया का बात किया दोस्तों यहाँ पे सिराज भी बनाया 4 रन, तो पूरा का पूरा टीम दोस्तों 31 ओवर में 46 रन पर ऑल आउट हो चुके हैं। अब क्या लगता है कि कुछ इस तरीका से अगर टीम इंडिया का टेस्ट में बल्लेबाजी रहा तो क्या हमारा टीम इंडिया और ज्यादा रिकॉर्ड खड़ा करेगा या दोस्तों और ज्यादा रिकॉर्ड बनाएगा, आपका जो भी कॉमेंट्स होगा इस कॉमेंट सेक्शन में आप पूरा कॉमेंट से भर दीजिए।